हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद मेडिकल से जुड़े कोर्सेज करना चाहते हैं तो डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बीपीटीएच और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी मैं सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध कराऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आप में होनी चाहिए, और डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और डॉक्टर डीवाई पाटिल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और इसके लिए टॉप कोचिंग सेंटर्स देश भर में कौन कौन से हैं, और इस डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से बुक्स और स्टडी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये एग्ज़ाम मेनली डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पास हो जाता है उन्हें यूनिवर्सिटी के बीटेक और एमटेक कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के दो कैंपस हैं, एक मुंबई में है और दूसरा पुणे में। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा मेनली जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उन कोर्सेज के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कोर्सेज हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड और MSc बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में मिनिमम 50% के साथ 10वीं और 12वीं क्लास पास की है वही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट को कुल मार्क्स में 10% की छूट दी जाती है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स में 10% की छूट दी जाती है। और दोस्तों, इसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, और कैंडिडेट जो मैथ्स वाले हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का सिलेबस मेनली कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट पर आधारित है, और कैंडिडेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट के आधार पर एमटेक के लिए इसमें काउंसलिंग होती है। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से कर सकें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। इस एग्ज़ाम में मेनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। बात करें फिजिक्स के सिलेबस की तो फिजिक्स का सिलेबस है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। दोस्तों, बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स, aldehydes, ketones and carboxylic acids, organic compound containing nitrogen, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life।
मेटलर्जी और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। दोस्तों बात कर रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों अगर आप डॉक्टर डी वाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अब मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस एग्ज़ाम में कुल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, और इसमें गलत जवाब देने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इस एग्ज़ाम में आपको कुल 2 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर की तलाश में होंगे, ताकि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से कर सकें। अब मैं आप लोगों को कुछ इंडिया के कुछ टॉप कोचिंग सेंटर्स के नाम आप लोगों को बता देता हूं, जो कि आपको डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स हैं वाइब्रेंट अकेडमी, रेजोनेंस, बंसल क्लासेज, फिटजी दिल्ली, नारायणा, एलेन कैरी इंस्टीट्यूट, विद्या मंदिर क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट, IITians, पेस और सुपर 30। दोस्तों ये कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। दोस्तों अगर आप डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी किताबों का सिलेक्शन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम बता देता हूं, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला किताब है NCERT फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, NCERT केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, NCERT बायोलॉजी फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाई डेविड हैलिडे एंड रेशनिक फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव NCERT एट योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री, NCERT एक्सट्रैक्ट्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एंड 12th, एडवांस्ड लेवल फिजिक्स नेलकॉन एंड पार्कर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, AC वर्मा फॉर फिजिक्स, ABC केमिस्ट्री और AC दत्ता फॉर बॉटनी। दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं जो कि आपकी इस एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। दोस्तों अगर आप डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के कुछ ट्रिक्स और टिप्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को अच्छे तरीके से जान लें, और आप रोज़ाना हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट को टाइम दें, और जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दें, और आप टीचर के बताए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ऑनलाइन ट्यूशन की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप जानें, क्योंकि ये तैयारी के स्ट्रेटजी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है, और आप अपनी तैयारी की स्थिति को जानने के लिए आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें और इसे दूर करने की कोशिश करें। और दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक टाइम टेबल सेट करें, और हर सब्जेक्ट के लिए आप एक हर सब्जेक्ट के लिए टाइम दें, और आप सभी सब्जेक्ट के लिए नोट्स तैयार करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर डाउट्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। दोस्तों आप इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए अच्छी किताबों का सिलेक्शन करें और उन्हीं किताबों को ही खरीदें, और इसके अलावा आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना डॉक्टर डीवाई पाटिल AICET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।